नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगली राजनीतिक भूमिका की और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत हो गई। अगली विधानसभा में भी, चाहे वो 2024 में महाराष्ट्र के साथ हो या 2025 में हो, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल में भी नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में चेहरा रहेंगे। और इन सब से आगे जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने संसदीय दल की बैठक तो की, नेता नहीं चुना है। क्या कारण है कि नेता नहीं चुना गया? बात हम राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य की भी करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल से चूक कहां हो रही है कि पिछले चार लोकसभा चुनाव में 4-4-0-4 ये आरजेडी का स्कोर है। ये किसी आईएसडी कोड की तरह लगता है इसका आरजेडी का स्कोर। इस स्कोर से क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? पिछले 9 में 7 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मात क्यों हाथ लगी है? क्या बिहार की सामाजिक परिस्थितियों को समझ नहीं पा रही है? इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और बिहार की सियासत की नब्ज को बहुत गहरे तरीके से जानने पहचानने वाले संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से बिहार की राजनीति 180 डिग्री पर घूमती हुई, मूव करती हुई दिख रही है, पगड़ी बांधने वाले लोग अब ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार की सर को सत्ता से हटाने के लिए पगड़ी बांधने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ही बड़े भाई हैं, वही एनडीए गठबंधन का चेहरा बिहार में होंगे। प्रधानमंत्री भी सरकार चलाने के लिए, बहुमत और देश चलाने के लिए सर्वमत की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 10 साल तक वो सर्वमत उन्हें याद नहीं आया, डिमोनेटाइजेशन के टाइम याद नहीं आया, धारा 370 के सेक्शन बी को प्रभावहीन बनाने के वक्त उन्हें याद नहीं आया, आज याद आ रहा है। लेकिन बिहार की परिस्थितियों में आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार एक फिनिक्स चिड़िया की तरह बन गए हैं कि जहां लोग नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ओबिचुअरी लिखना शुरू कर देते हैं वहां से नीतीश कुमार खड़े हो जा रहे हैं? यही तो नीतीश कुमार की खासियत है। जब हम लोग मानते हैं कि अब फिनिश्ड हो गए नीतीश कुमार, 2014 को देखिए, जब जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप कर वो राजनीति से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिए थे, तो क्या लगा था? लगा था कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए। लेकिन 2015 में वो उसी तरीके से वापसी उन्होंने की। 2020 में जो स्थिति बना उसके बाद लगा कि अब नीतीश कुमार अब इस स्टेट के लिए लेबिलिटी है, अब हमको लगता है कि जल्द से जल्द अब इनके जाने की बारी आ गई। लेकिन 2024 में जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है उसके बाद तो अब सारा चीज बदलता हुआ दिख रहा है। लग रहा है जैसे बिहार अभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है उसी तरीके से। और यही वजह है मोदी भी और स्टेट यूनिट भी जो पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए, वो खुद अब कह रहे हैं कि 2025 में हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी, कारण क्या है? ये दिल्ली का अंकगणित ही जिम्मेदार है या बिहार की सामाजिक परिस्थितियां और समीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, नीतीश कुमार जिसके लिए काम किया है ना, वहां पॉलिटिकल पार्टी का उस वोटर पर कोई नजर ही नहीं है। देखिए, यहाँ एक नीतीश कुमार ने महिला वोटर को एक अलग तरीके का एक दर्जा ही दे दिया है, वो एक अलग वोट बैंक हो गया जिसको इस देश में अभी भी वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा जाता। उनको इंडिपेंडेंट वो निर्णय ले सकती है ये कोई सोचता ही नहीं है। महिला पॉलिटिकल पार्टी के फ्रेम में सिर्फ इतना ही है कि चलिए सांकेतिक तौर पर हम महिला को प्रतिनिधित्व दे दें, लेकिन महिलाओं की भागीदारी जिस तरीके से नीतीश ने सुनिश्चित की, पंचायत में आरक्षण देकर, नौकरी में आरक्षण देकर, वो जो वर्ग है ना, वो मान लीजिए कि 2005 में जिसको साइकिल दिए थे, अभी वो माँ बनी हुई, उसकी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, तो वो एक बड़ा समझिए कि पीढ़ी एकदम एक 40 वर्ष से लेके या 20 वर्ष तक का जो पीढ़ी है, वो सारी पीढ़ी के लोग नीतीश के योजनाओं से, सुरक्षा से, तमाम चीजों से लाभुक भी है और महसूस भी किया है। इसका असर जो है दिख रहा है और हमें लगता है कि यही वजह है कि चाह कर भी जो है सो नीतीश कुमार जब लगने लगते हैं कि अब नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, तो उनका जो वो वोटर है ना, वो काफी एग्रेसिवली सामने आती है और फिर से नीतीश को स्थापित कर देता है। तो वही वोटर नीतीश को स्थापित कर दिए तो आज नीतीश कुमार वैसे हीरो लग रहे हैं।
नीतीश कुमार जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि तमाम कोशिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया, नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं ये अमित शाह ने कहा, सब कुछ कहा, बिहार में भाजपा सरकार बनाने की कवायद या भाजपा को बड़ा भाई बनाने की कवायद के तहत एक चिराग मॉडल भी खेला गया, इन सब के बाद भी नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और अब तो एनडीए को कहा जा रहा है कि नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, एनडीए का नया नाम कुछ लोग दे रहे हैं नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, तो ये नीतीश डिपेंडेंट अलायंस में कैसे तब्दील हो गया, और नीतीश कुमार की अहमियत को क्या आपको लगता है, नरेंद्र मोदी को शरणागत होना पड़ेगा हर दूसरे तीसरे दिन, वो समता ममता जयललिता वाला दौर एनडीए में वापस आ गया है कि उधर नायडू बाबू इधर नीतीश कुमार? देखिए उस स्थिति में नीतीश कुमार अभी फिलहाल नहीं है, नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता होगी कि पहले विधानसभा चुनाव करा लें, वहां भी हम मजबूती के साथ आ जाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के राजनीति में क्या है, हमेशा वो शून्य से शुरू करते हैं जी। इस बार जो 2020 का जो परिणाम आया तो समझिए कि लगने लगा कि अब इनकी इनका खेल खत्म है, सब लोग चुटकी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इस तरीके से कमबैक हमें लगता है कि इस देश के इतिहास में किसी दूसरे पॉलिटिशियन का इस तरीके से कमबैक नहीं, उनका वोटर उनको खींच के मतलब एकदम अंतिम दौर में वो पहुंच चुके थे कि अब वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे। इस बार माना भी जा रहा था कि बीजेपी इनको 4 जून के बाद जो है सो कान पकड़ के हटा देगी, क्या क्या चर्चा हो रही थी, लेकिन इनका वोटर इस तरीके से कमबैक किया है इनको, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही वजह है कि जो अभी चीजें दिख रही हैं उसके बाद एनडीए के अंदर इनकी प्रमुखता भी बढ़ गई है कि भाई पूरा यूपी साफ हो गया, नीतीश अगर नहीं रहते बिहार में तो यहाँ भी साफ हो जाते, तभी सरकार इंडिया गठबंधन के रहता ना, अभी अभी कहीं रहते मोदी जी? उस मुद्दे पर हम आ रहे हैं संतोष जी, उस मुद्दे पर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में लूप होल चुकी बिहार से ही दिखा है सबसे ज्यादा, लेकिन पहले ये बताइए कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक हो रही है, संसदीय दल की भी बैठक हुई है, लेकिन संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं किया गया है, ये कई लोगों को इसमें बड़ा आश्चर्य दिख रहा है कि कारण क्या है, क्या ये पार्टी सरकार का हिस्सा बनेगी, या 2019 में जो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे, ये अलग बात है कि आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बने तो खुद जाके मंत्री बन गया बिना पूछे, क्या होने जा रहा है? संसदीय दल का नेता का इससे तो कोई रिश्ता है नहीं, माने संसदीय दल का नेता बनने के बाद ही थोड़ी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, देखिए हो गया होगा, मतलब अभी देखिए संकट क्या है ना, जो लोग जीत के गए उसमें स्वाभाविक दावेदारी ललन सिंह की है, ललन सिंह की दावेदारी है, लेकिन नीतीश के साथ धर्म संकट क्या है कि अगर 4 मंत्री का पद मिलेगा तभी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा उनकी मजबूरी है, एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री, संजय झा राज्य मंत्री चर्चा है, जो भी हो मतलब मजबूरी है, और अति पिछड़ा और कुशवाहा उनकी जरूरी है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना उस कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए बीजेपी की सहमति होगी कि भाई 4 सीट हम देंगे, उसकी बाद ही बात आगे बढ़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है संतोष जी, यहाँ एक चीज जानना जरूरी हो जाता है, सामाजिक समीकरणों की राजनीति और उसके इक्विलिब्रियम पर बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड या पूर्व की समता पार्टी का सर्वाइवल होता रहा, और समाजवादी धारा की राजनीति में बिहार में पिछड़ा वर्ग, राजपूत वर्ग और अकलियत, ये बड़े पिलर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार इस पिलर को, इस संतुलन को कैसे साधेंगे? मंत्री पद मिलेगा 2-3, उसमें से भी एक संजय झा ले जाएंगे जिनसे पार्टी को 1 वोट जिनके समुदाय का नहीं मिलना है, तो ये क्या किस तरह के सामाजिक समीकरण को विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो साधेंगे? ठीक यही स्थिति कमोबेश ललन सिंह की है, वरिष्ठता उनकी है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक समीकरण के लिहाज से तो बहुत उपयुक्त नहीं है जनता दल यूनाइटेड के लिए। मजबूरी है, कुछ और रिश्ता है, इन रिश्तों पहले कहना कि वो तो दोनों मजबूरी है, कुशवाहा और अति पिछड़ा जरूरी है जी, इसीलिए उसमें हमें लगता है कि बनाना ही पड़ेगा, और इसलिए 4 सीट की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं, 4 सीट तो मिलेगा तभी सब लोग जाएंगे एकोमोडेट होंगे, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए इस बार भी, इसलिए नीतीश कुमार लवली आनंद का भी रास्ता बन रहा है क्या? आनंद मोहन तो रेल मंत्रालय पर बोले हैं, लवली आनंद अभी वो स्थिति नहीं है, वर्षों बहुत लंबे अंतराल बाद चुनाव जीती है,
और अगर मान लीजिए कि 17-18 सीट जीत के आया रहता है जदयू, 17 कम से कम 16 सीट पर लड़े तो 15 सीट अगर उनके हाथों में रहता। संतोष जी, बिहार के 40 सांसदों में सबसे वरिष्ठ सांसद लवली आनंद है। लवली आनंद जब सांसद बनी थी तो इनमें 40 में से 39, एक राधा मोहन सिंह को यदि छोड़ दे तो, इनमें से कोई दूसरा संसद का मुंह नहीं देख पाया था उस वक्त तक। तो जितना दिन वनवास काटी है वरिष्ठतम सांसद, उतना दिन वनवास कौन काटा है? कोई इसमें जो सांसद जितना दिख रहा है आपको, उस उतना दिन तो वनवास काटे हुए कोई और सांसद तो नहीं है। तो राजनीति में हाशिए पे चली गई थी, ये भी तो है। अरे राजपूत कोटा देगा बीजेपी अपना नीतीश कुमार के लिए? भाई जैसे लवली आनंद को मंत्री बनाने के लिए स्पेस उनके पास कहाँ है? और उनके पार्टी से तो पहली बार सांसद बनी है ये, और स्पेस रहता तो भाई अभी तो उनके लिए संकट है कि अति पिछड़ा और कुशवाहा जो उनका कोर वोटर है उनको कैसे वो एकोमोडेट करते हैं मंत्रिमंडल में, वो होगा तब ना आनंद मोहन और बाकी लोगों का। क्योंकि देखिए संजय झा मजबूरी है उनके लिए, संजय झा मजबूरी है, संजय झा को बनाएंगे ही बनाएंगे, कितना सवर्ण को बनाएंगे, ये चलते मानी ये इक्वेशन रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब संतोष जी ये है कि देखिए हकीकत बिहार की जो सामाजिक हकीकत है, ललन सिंह बनने चाहिए वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन ललन सिंह को चलिए बना दिया गया। संजय झा, ये लोग पार्टी के सामाजिक आधार से एक वोट विधानसभा चुनाव में दिला पाने की स्थिति में नहीं है। लवली आनंद को मंत्री बनाने का मतलब होगा कि बिहार में राजपूत वोटों पर 50-60% पर लवली जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी होगी विधानसभा चुनाव में। आज भी कोई कुछ भी कहे, हकीकत यही है कि राजपूत समाज के अभी सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता बिहार में आनंद मोहन सिंह ही है। इस बात को कोई, जो भी लोग जीते हैं, राधा मोहन सिंह नेता नहीं हो सकते राजपूतों के, राजीव प्रताप रूड़ी नेता नहीं हो सकते, ठीक इसी तरह से भूमिहार समाज के नेता सीपी ठाकुर ही माने जाते हैं, ललन सिंह नहीं हो सकते, पार्टी में वरिष्ठ है बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को देखकर मंत्रिमंडल के गठन में जेडीयू को प्राथमिकता दिलाएंगे, या पार्टी में जो जितने चापलूस है वो उतना ज्यादा हिस्सेदारी लेकर जाएगा? देखिए नीतीश के नजर में सबकी अपनी अपनी भूमिका है, संजय झा की भी भूमिका है। संजय झा जो चीजें कर पार्टी के लिए कर रहे हैं वो आनंद मोहन से संभव नहीं है, जो आनंद मोहन कर रहे हैं वो ललन सिंह से संभव नहीं है, जो ललन सिंह कर रहे हैं वो संजय झा से संभव नहीं है। वो तो अपने क्षेत्रीय दलों की जो अपना कंपल्सन रहता है उस कंपल्सन के आधार पर, और राजपूत के नेता आप मानते हैं नेता रहते तो चुनाव थोड़ी हटते, कितना दरबार घूम के आए। नहीं, तो कहने का मतलब है कि अभी उनका ग्लैमर एक बार फिर से जीवित होता हुआ दिखा है आनंद मोहन परिवार का, इस चुनाव ने तो ये प्रूफ किया है, क्योंकि पूरे बिहार भर के लोग वहां जुटे हुए थे शिवहर में, वो रूढ़ी के लिए नहीं जुटे थे, उनके लिए जुटे थे। अच्छा कहां 2,00,000 वोट से जीत गए वो अलग बात, ये भी बात तो नहीं है कि 2,00,000 वोट से जीत गए हो, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं। इसलिए वो मतलब देखिए जदयू का अपना सामाजिक समीकरण है, अगर बनाना होगा तो बिहार में बना सकता है, वो भी अभी वो राजद के विधायक हैं, उसमें भी अभी जो चुनाव की बात हो रही है तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी अभी, लेकिन बनाना होगा तो लवली आनंद का वहां कोई स्कोप नहीं है, लवली आनंद की दावेदारी भी नहीं मिलती पार्टी में उसका क्या योगदान है जदयू, ये कहिए ना। ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि पार्टी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा अब तक नहीं है, अब यहाँ से हो तो अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल पर आते हैं, दिल्ली में संतोष जी बहुत चर्चा है इस बात की कि इंडिया गठबंधन 250 पार नहीं कर पाया तो इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल का फेल्योर। 27 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने ली थी, 26 बिहार में, 1 झारखंड में, उनमें से 3 सीटें उसने वीआईपी को दी, और कांग्रेस के 5 कैंडिडेट को डिसाइड करने में भी राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी भूमिका लोग मानते हैं, और इन 32 सीटों में महज 4 सीटें। अब राष्ट्रीय जनता दल का फ्यूचर उस परिस्थिति में आप कैसा देखते हैं जब जनता दल यूनाइटेड के प्रति पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का झुकाव इस लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दे गया? देखिए आज एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से हमारी बात हो रही, उनका फोन आया, मुसलमान ही है, तो अब ये मुसलमान इनका साथ छोड़ेंगे ये तय मान मुसलमान, क्योंकि मुसलमान देख रहा है कि अररिया में ज्यादा, जब आप लोकसभा चुनाव आता है
आप ऊपर देखते हैं, आप उस समय में मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिखता है, नित्यानंद राय को आप वोट कर दिए, आप जो है सो अररिया में उनके खिलाफ वोट कर दिए, शाहनवाज के खिलाफ आप वोट कर दिए, तो क्या कहते हैं वीना साहब को आप टिकट नहीं दीजिएगा, आपके आपके टिकट से एक भी मुसलमान विधायक एमपी नहीं बना है, तो फिर आपके साथ क्यों मुसलमान रहेगा? मुसलमान समझ गया है कि लालू यादव के यहाँ अब कोई स्पेस नहीं बचा है, राजनीति में उनका इस्तेमाल हो रहा है, एक उम्मीदवार खड़ा किए ना भाई आपकी, और वहां भी यादव वोट उनको नहीं दिया, अब बताइए यादव अब मुसलमान का वोट आप ले रहे हैं लेकिन आप यादव का वोट जो है सो मुसलमानों को नहीं मिला है, तो फिर तो खेला होगे ना, खेला होगा। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में एक बड़ी अजीब चीज दिखती है जो अखिलेश यादव की राजनीति में यूपी में नहीं दिखती। जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव को क्या क्या नहीं कहा, बेनी बाबू से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर बाकी लोग, सबको और सबके बाल बच्चों को एडजस्ट किया, मुलायम सिंह ने भी किया, बेनी बाबू को भी वापस लाके, अमर सिंह ने क्या क्या नहीं कहा था, एडजस्ट किया ला करके, अखिलेश भी उसी नीति पर चल रहे हैं कि तमाम व्यक्तिगत मतभेद और पूर्व की बयानबाजी एक तरफ, लेकिन टिकट देने में जो उदारता अखिलेश यादव बरतते हैं पार्टी में, वो लालू परिवार में या आरजेडी में देखने को नहीं मिलता। उदाहरण हिना साहब, उदाहरण आपको दिखाई दे देगा कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़ते तो इस बार हो सकता था कि कांटे के मुकाबले शिवराज सिंह हार जाते। पप्पू यादव, मैं उसी पर आ रहा हूँ, पप्पू यादव, तो ये सारी चीजें चल रही है, सभी जानते थे कि सीतामढ़ी में अगर यादव को टिकट मिलेगा तो कितना भी भला आदमी हो, सज्जन आदमी हो, अर्जुन राय जी बड़े सज्जन आदमी है, वो MY समीकरण से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समीकरण वो दिख गया सीतामढ़ी में, पहली बार ब्राह्मण सांसद लोगों ने देखा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इतने ज्यादा व्यक्तिगत आग्रहों को लेकर जब आगे चल रहा है, कैसे आपको लग रहा है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, अब बताइए समाजवादी राजनीति की एक धुरी रहा है राजपूत समाज, एक टिकट आपने दिया, 26 सिंबल आपको मिले थे, 3 VIP के लिए आपने छोड़े, और पूरे बिहार में 40 में देखा जाए तो NDA ने एक सुधाकर सिंह को दिया, और वही आपकी एक सीट भी दिखाई दे रही है, सक्सेस रेट में एक सीट वो भी दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से भूमिहार समाज को जो टिकट आपने दिया, मुन्ना शुक्ला को काफी बाद में जाकर अनाउंस किया, वो टिकट आपको पहले अनाउंस करना चाहिए था, परमनाथ सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला, वहां आकाश सिंह ने आपको ले जाया गया कांग्रेस। इस तरह से पप्पू यादव और हिना साहब का मामला आप देख ही रहे हैं, या बाकी कन्हैया कुमार का, अब विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव और RJD का पॉलिटिकल फ्यूचर आपको कितना दिखता है? देखिए अब 2025 का चुनाव, अब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा ना, वो अब बहुत दूसरे मिजाज में, देखिए कांग्रेस के 2 मुसलमान सांसद, 1 दलित सांसद, 1 पप्पू यादव, यही कॉम्बिनेशन था है ना लालू यादव का जी, वो कॉम्बिनेशन अब खत्म, इनके पास मुसलमान सांसद है का? और तारिक अनवर और जावेद पटना में बैठ जाएंगे जिनकी क्या स्थिति होगा, पप्पू यादव बैठ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? ये तो चले थे डेमोक्रेसी के सिद्धांत के विपरीत, जनता को चुनौती दे दिए किसको वोट कर दू, सब गंगौता वोट कर दिया पप्पू यादव जी, 28,000 वोट आया है तब, आज के जमाने में 28,000 को शायद विधानसभा में मुश्किल से जमानत बचती है, लोकसभा में आया है तब, बताइए ये यही सिचुएशन है, इसमें बहुत लंबा खींच नहीं सकते। देखिए लालू यादव चले थे बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने की, 2025 की तैयारी थी, 24 की तैयारी उनकी नहीं थी, और ये मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये साफ मुसलमान अब समझ गए, ये जो है यहाँ का जो यादव मतदाता है वो लोकसभा में ऊपर देखता और विधानसभा में, मतलब मुसलमान इस बात को लोग ले लिया है कि अब विधानसभा में कांग्रेस के साथ जाएगा, इनके साथ नहीं जाएगा, इनके उम्मीदवार को हराएगा, और मुसलमान को जो भी स्थापित लीडर था पुराने लोग उनको ये किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करते रहे। इस बार बड़ी मुश्किल से अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद बनाया है ना, उससे पहले लोगों को, सब लोगों को जो है जो जिसका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं था, पैसा ले लेके आप बनाते चले गए। अब शहाबुद्दीन की पत्नी, शहाबुद्दीन का क्या योगदान है RJD को लेकर, किसी से छुपा हुआ है, अंतिम समय में भी जो है
अगर शहाबुद्दीन नीतीश कुमार की बातों को मानकर चल जाते उनके साथ, उनको कुछ तो नहीं हुआ, एकदम आराम से भी सत्ता शासन का हक मार हक एकदम हुंकार मारते रहते। देखिए ये सारी चीजें इनकी वजह से हुई। और देखिए अब तो असली लड़ाई बिहार में होगा, अब तो लड़ाई शुरू होगी। संतोष जी, दो छोटे छोटे सवाल है। पहला ये, इसकी बिहार में काफी चर्चा है, खासकर सोशल साइंटिस्ट के बीच, समाज विज्ञानियों के बीच काफी चर्चा है। सोन नदी का दोनों किनारा, शाहबाद और पाटलिपुत्र का जो इलाका है, औरंगाबाद से लेकर पाटलिपुत्र जहानाबाद, इधर पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा तो पूरा चारों सीटें हो गए शाहबाद में। यहाँ NDA का सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में एक सीट परिवार को, एक अभय कुशवाहा को छोड़ दे, तो कहा जा रहा है कि माले ने एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को कैप्चर कर लिया है। जो काम भारतीय जनता पार्टी JDU के वोट बैंक को कैप्चर करने का सोच रही थी, उसने एक बेल्ट में राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक कैप्चर कर लिया है। जिस ढंग से माले की चुनावी लड़ाई और जिस स्ट्रेटजी के साथ माले लड़ी है, क्या आपको लगता है लॉन्ग टर्म रिपरकशन इसका राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार पर भी पड़ने वाला? देखिए वो परिस्थिति के सांसद है, उनका कोई जनाधार अनाधार नहीं। वहां पवन सिंह खड़ा नहीं होते जीतते नहीं, ठीक ना। पवन सिंह की वजह से वहां भी सीट प्रभावित हुआ और आरा भी प्रभावित हुआ, कुशवाहा वोटर दोनों जगह। कहां परिस्थिति के सांसद है, कोनो जनता उनको थोड़ी चुना है जी। सिचुएशन ऐसा बना जिसका लाभ वो उठा लिए हैं, RJD का वोट उनके साथ था ही, उसका लाभ वो उठाए हैं। बाकी कोई माले में बहुत बड़ा कोई चेंज आया है बिहार की राजनीति में, ऐसा नहीं। परिस्थिति में वो दो सांसद उनके पास आ गए। यादव वोट बैंक कितने दिनों तक अब लालू यादव के साथ इंटैक्ट रह पाएगा, क्योंकि इंटैक्ट नहीं होने से वो नवादा हारे हैं, इंटैक्ट नहीं होने से कई सीटें नॉर्थ बिहार में हारी है RJD, कई जगह भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिल गया है, क्या लगता है आपको? देखिए 2024 को बहुत हल्के में ले रहे थे लालू यादव ने, और वो हल्के में लेकर जो प्रयोग किए बिहार में, उनका जो मेन जो MY समीकरण था वही उनके हाथ से निकलता हुआ। और यादव अब ज्यादा दिनों तक लालू परिवार के गुलाम में मतलब साथ नहीं रहे। पप्पू यादव तो अपने इलाके का दिग्गजों को निकाल ही लिया है, और दिनेश चंद्र यादव तो यादवे रहे, सांसद बना ना जी। तब पप्पू यादव बन गया ना, तब वो मधेपुरा और पूर्णिया जो एक बार संभावना बनी थी पप्पू यादव के सहारे खींचने का, वो तो खत्म हो गया। अब वो फील्ड आपका खत्म। सुपौल में जो है आप दलित को खड़ा करके सोचे कि हम यादव और उसका वोट ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर हुआ, सब वोट ट्रांसफर कर लिए जी देवेंद्र, ये आपको विजेंद्र यादव, हाँ विजेंद्र यादव, अरे हो गया। अब वो आप अब वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी आपकी नहीं रही। अब वो 2020 में जो परिस्थिति वर्ष आपको उतना सीट आ गया था चिराग मॉडल की कृपा से, हाँ अब कुछ होने वाला नहीं है। अब इनको बैठ के जाल बजाना हो, इनकी राजनीति अब खत्म है, अब कितनों ही उछल कूद लेंगे बिहार की राजनीति में, अब हमें नहीं लगता है कि इनको कोई स्पेस मिलने वाला है जी। बहुत चर्चा है संतोष जी बिहार में कि S और M, राष्ट्रीय जनता दल की सियासत को S और M का जो पावर इक्वेशन है वो खराब कर रहा है। एक एस का नाम लिया जाता है, एक राज्यसभा सांसद बने हैं वो, और एम का नाम लिया जाता है जिनके साथ आनंद मोहन का कुआं वाला विवाद हुआ था, सांसद जी वो भी राज्यसभा वाले हैं। क्या लगता है कि इस पावर इक्वेशन ने क्या वाकई राष्ट्रीय जनता दल के अलग अलग इलाकों के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में उपेक्षित कर दिया है? कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तेजस्वी यादव से उन्हें मिलने में बहुत दिक्कत होती है। सही कहते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है कि आज जो RJD की स्थिति है कि RJD के विधायक सांसद भी तेजस्वी से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, लालू यादव वाली स्थिति नहीं है जी। ये जो टिकड़ी है ना, वो टिकड़ी बहुत खराब तरीके से लोगों के अंदर में, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर में एक अलग तरीके का भाव पैदा कर, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है RJD। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक अच्छे नेता है, तेजस्वी यादव विकास की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, किसी तरह के जातीय आग्रह, मैं व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव के जो विजन है, जिस प्रकार से वो युवाओं के बारे में सोचते हैं, एक पत्रकार से इतर हटकर हम देखें एक नागरिक के तौर पर, तो मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन सियासत सिर्फ उसी से नहीं होती, सियासत सबसे बड़ी चीज है लोगों से और खास करके कार्यकर्ताओं के बीच में उपलब्धता को लेकर।
वो क्यों लैग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं या लालू यादव क्यों उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। आखिरी सवाल संतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल क्या इन कमियों पर 2024 में चुनाव हो या 25 में हो, जब भी हो, विधानसभा चुनाव के पहले आपको उम्मीद है कि इस पर काबू पा लेगा या नीतीश चाचा जो है तेजस्वी यादव के चाचा उनको हैंड ओवर कर देगा 5 साल के लिए फिर बिहार को? सवाल ही नहीं है, अब चाचा तो पलट कर देखने वाले नहीं है, वो चाचा महसूस कर दिया है ना कि क्या सिचुएशन है, क्या ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की उन्होंने जातीय गोलबंदी करके समाज के अंदर एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न करने की कोशिश उन्होंने की है, जो प्रदेश को 1995 की तरफ ले जाने की जो कोशिश उन्होंने की है, उसको लेकर तो लोगों को एक बार फिर से लगने लगा है कि ना ना ना, अब उनके वापसी पर सोचना भी बेमानी होगा। इसी का लाभ मिला है नीतीश कुमार को ना, और यही वजह है कि फिर वापसी हमें नहीं लगता है कि 2025 के चुनाव में। तो क्या इसी का लाभ लेने के लिए वो जल्दी विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं? यस, इसी का लाभ लेने के लिए कि भाई 125 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी 20-22 पर सिमट जाएगा, औकात पर रहेगा, बैठ के लालू और तेजस्वी झाल बजाएंगे, जब मौका मिलेगा बुला लेंगे, जब मौका मिलेगा भगा देंगे। अभी तो भाई गिल जाएगा, अभी जो सिचुएशन है उसमें तो गिल जाएगा ना, इसलिए ये चीजें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही आपने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों का अक्षरशः जमीनी हकीकत का अक्षरशः चित्रण आपने किया हमारे दर्शकों के लिए और एक एक परिस्थितियों को सामने रख दिया कि आखिर नीतीश कुमार की कामयाबी का राज क्या है और राष्ट्रीय जनता दल का नया निजाम लोगों के बीच उम्मीद बढ़ाने के बाद क्यों वोटों में उसका कन्वर्जन नहीं दिख रहा है, क्यों भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही है, असली कारण क्या है। आज की चर्चा का सबसे बड़ा लब्बो लुआब संतोष जी की बातचीत से कम यही निकला कि नीतीश कुमार को अगली राजनीतिक पारी जो उनकी होगी अगले विधानसभा की, उससे उन्होंने काफी हद तक निजात पा ली है। 5 साल का निजाम उनका बकौल संतोष सिंह अब तक की परिस्थितियों में जो दिख रहा है, कल कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अब तक की परिस्थितियों में निष्कंटक नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। नमस्कार।